हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका आज एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम दोस्तों शोक संदेश कार्ड जो प्रिंट किया जाता है गंगा जली का कार्ड, उसको प्रिंट कौन कौन सी साइज़ों में हम कर सकते हैं, जो मेन साइज़ होती है वो कौन सी होती है, और जो अलग अलग साइज़ें प्रिंट करने के लिए आती हैं वो कौन कौन सी साइज़ें होती हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं, वो सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये जो साइज़ें होती हैं ये ड्राइंग शीट पर निकाली जाती हैं, उसके अलग अलग साइज़ें बनाकर और इनको कटिंग किया जाता है। तो ये जो साइज़ हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे, और अगले जो वीडियो हमारे आएंगे उनमें हम आपको इनकी कटिंग कैसे करते हैं, कैसे इनको साइज़ को बनाते हैं, एक शीट पर अलग अलग प्रकार की साइज़ें कैसे काटते हैं, वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये जो साइज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। हमारा जो पहले वीडियो बनाया हुआ था उसमें हमने आपको शोक संदेश की डिज़ाइन करके भी बताया था, शोक संदेश को कैसे डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर में, और प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं अपने लेजर प्रिंटर के द्वारा तो वो भी आपको पूरी सेटिंग हमारी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो जानकारियां हैं आपको प्रिंटिंग से संबंधित वो सभी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी साइज़ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं और कितनी साइज़ उसकी होती है। तो दोस्तों पहले हमने ये जो कार्ड उठाया है, ये जो साइज़ आपको दिख रही है, इस साइज़ का जो नाप है वो है, इसको बोलते हैं 1/32 132, और इसकी जो लंबाई है वो है 3.5 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच, यानी कि 3.5x5.5 का ये जो कार्ड होता है ये पोस्ट कार्ड साइज होती है। इसको सबसे ज़्यादा शुभ संदेश कार्डों में प्रिंट किया जाता है, ये ड्राइंग शीट पर इसको साइज़ को बनाया जाता है। जो कार्ड शीट होती है बाज़ार में आपको मिलेगी उस साइज़ पर ये साइज़ निकाली जाती है। तो 132 1/32 साइज़ है ये, और इसकी जो चौड़ाई है 3.5x5.5 की। तो ये सबसे छोटी साइज़ है और सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग में यूज़ होने वाली साइज़ यही साइज़ है। इसको अभी हम रखते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी साइज़। तो दूसरी साइज़ दोस्तों ये है, इसको DLP साइज़ बोलते हैं, DLP साइज़ है ये। DLP साइज़ में भी काफ़ी सारे कार्ड प्रिंट किए जाते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों 5.6 इंच इसकी चौड़ाई है और 4.4 इंच इसकी जो है लंबाई है। ये जो कार्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट किया जाता है इस साइज़ में। और इससे जो अगली साइज़ है दोस्तों वो हम देखेंगे, ये अगली साइज़ है ये 1/20 साइज़, 120 1/20 साइज़ है ये। इस साइज़ में दोस्तों जो है कार्डशीट में 1/20 टुकड़े इसके बनते हैं, और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो 7 इंच होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच होती है, और लंबाई जो है इसकी 4.5 इंच होती है, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है। तो दोस्तों ये जो कार्ड है 1/20 साइज़ का कार्ड है, इस साइज़ के कार्ड भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रिंट करते हैं। तो इसके बाद जो साइज़ आती है वो होती है ये साइज़, ये है 7.5 साइज़, 7 जो है इसकी ऐसी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है वो है 5 इंच। तो 7x5 इंच का ये कार्ड है। मार्केट में ये कार्ड आपको मिल जाएगा पैकेट में, अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसका जो पैकेट आता है वो कैसा होता है। पैक कार्ड आपको मिलेगा पॉलीथीन में किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर। तो दोस्तों ये है 7x5 साइज का कार्ड, इस साइज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। ये जो साइज़ है आप इसको अपने, अगर आपके पास कटर मशीन है तो आप उससे काट कर भी बना सकते हैं, नहीं तो ये जो साइज़ है दोस्तों मार्केट में अवेलेबल होती है, इस साइज़ के कार्ड आपको कटिंग किए हुए मार्केट में मिल जाएंगे। ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग में उपयोग होता है, हर दुकान पर मिल जाएगा आपको ये कार्ड स्टेशनरी की दुकान पर। तो आप इस तरीके का जो कार्ड है वो ख़रीद कर लाकर प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो कार्ड शीट आती है मोटी वाली 200-250 GSM की जो कार्ड शीट आती है उस पर भी आप ये जो साइज़ है ये नाप कर काट कर बना सकते हैं। इस तरीके के जो कार्ड हैं दोस्तों पैकेट में पैक आते हैं, इस तरीके की पॉलीथिन से पूरे पैक किए हुए ये 7x5 साइज़ के कार्ड आते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इससे छोटी जो साइज़ हमने बताई आपको DLP साइज़ भी आपको मार्केट में मिल सकती है, लेकिन ये कार्ड आपको मार्केट में स्टेशनरी शॉप पर या जहाँ पर भी प्रिंटिंग का सामान मिलता है वहाँ पर आपको ये
मिल जाएगा पेपर वगैरह की दुकान पर। तो इसके साथ इसका जो लिफाफा आता है ये भी 7x5 साइज का एनवेलप है, लिफाफा है। अगर आपको किसी कस्टमर को एनवेलप सहित प्रिंट करके देना है तो ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। इस तरीके के कार्ड आप लाकर प्रिंट कर सकते हैं। इससे जो ऊपर की साइज़ है, बड़ी साइज़ है, वो होती है दोस्तों 8x5। तो 8x5 साइज़ की कार्ड शीट ये है। इस तरीके से जो है आप बहुत सारे कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ये कार्ड हमने प्रिंट किया था, थोड़ी बड़ी साइज़ जो है कस्टमर को चाहिए थी, तो 7x5 जो है इससे बड़ी साइज़ ये है, थोड़ी सी 1 इंच बड़ी, और 8x5 साइज की ये कार्ड हमारे पास है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये कार्ड आपको अपनी दुकान पर बना सकते हैं आप। इनको आपको रखना चाहिए, ये कंटिन्यू कार्ड आपके लिए लग सकते हैं अगर आप प्रिंटिंग का काम करते हैं तो। इनकी जो साइज़ है दोस्तों, कैसे बनानी है कार्ड शीट का, हम आपको अगले वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। साइज़ कैसे नाप कर निकालते हैं, साइज़ कैसे बनाते हैं और कटर मशीन से उनको कैसे काटा जाता है। तो अगले जो वीडियो हमारे आएंगे उनमें आपको इन साइज़ को काटना बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो अभी हमने आपको जो साइज़ है वो दिखाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों, सबसे छोटी साइज़ है 1/32, उसके बाद डी एल पी के बाद 1/20 साइज के बाद जो है दोस्तों 7x5 साइज़ से भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार्ड है ये, और उसके बाद 8x5। ये थोड़ा सा कार्ड कम लगता है, तो आपको इन साइज़ों को अपनी दुकान पर बना कर रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको इन सभी साइज़ों के बारे में बताया है। तो अगर आप इन साइज़ को बनाना चाहते हैं तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।